साथियों को नमस्ते। तो सभी का स्वागत है हिंदी सत्र में। सभी को नमस्ते। नमस्ते गोपाल भैया। नमस्ते दीदी। तो नमस्ते सभी को, सभी का स्वागत है इस मॉर्निंग सेशन में, सुबह के सत्र में, जिसमें हम लोग अभ्यास कर रहे हैं स्वयं को देखने का। तो जस्ट मैं एक बार ब्रीफली रख देता हूँ हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, फिर इस पूरा प्रोसेस में आपका जो ऑब्जर्वेशन होंगे, आपने जो ध्यान दिया होगा, उसको हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन करने से म्यूचुअल ग्रोथ तो होता ही है। तो हम लोग स्टेप वन से स्टार्ट किए थे कि स्वयं को देखना है, स्वयं पर ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है विदाउट एनी रिएक्शन। और ऑब्जर्व करते हुए कल्पनाशीलता में जो भी दिख रहा है उसको पहले देखें, फिर गोपाल ठीक है। तो हम लोग स्टेप वन पर बात कर रहे थे, है ना। तो विदाउट रिएक्शन, बिना उसको छेड़े इंटरप्ट किए उसको ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करते हुए धीरे धीरे सूक्ष्मता के साथ हमको आशा विचार और उसके पीछे का भाव, ये भाव तक पहुंचना महत्वपूर्ण बात है। इसको हम लोग कई बार रिपीट भी कर चुके हैं, कई बार ध्यान भी दिलाते हैं, और हम में से कई साथियों का ध्यान जा भी रहा है। क्योंकि भाव के मूल्यांकन के साथ जो फैल जाता है कल्पनाशीलता में, वो आसानी से सिमट जाता है। तो उसमें सावधानी वाली बात इतनी है कि हम भाव का मूल्यांकन कर रहे हैं, ये बात ठीक से हमको दिख जाए, ना कि हम एनालिसिस करके, विश्लेषण करके अपने तर्कों को सप्रेस कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम विचार से भाव और भाव का ठीक ठीक मूल्यांकन। और जब मूल्यांकन कर रहे हैं तो पहले अपने से सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं कि हमको सहज स्वीकार है कि नहीं, मैं कटे निरंतरता चाहता हूँ कि नहीं। और इतना हम कर रहे हैं तो इसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस भाव से मैं सुखी हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, सहज है असहज है, ये भाव मेरा दुख बन रहा है या सुख बन रहा है, किसका सोर्स है। फिर इसके साथ हम लोग अब स्टेप फोर पर बात कर रहे हैं कि ये जो निर्णय ले रहा है कौन निर्णय ले रहा है। तो मेरे में जो भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय कौन ले रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। तो इस पर हम लोग ने तीन बातें की थी। एक तो बाहर की परिस्थिति हो सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति हो सकता है, या तीसरा मैं ही निर्णय ले रहा हूँ, ये बात की पॉसिबिलिटी भी है। तो इन तीनों में क्या पॉसिबिलिटी हमको दिख रही है, किन किन पॉसिबिलिटी को हम देख पा रहे हैं, उसको हम लोग शेयर करेंगे। तो उस शेयरिंग से हम सबका और गहराई से बढ़ेगा, है ना। तो शेयरिंग में हम लोग इस बात को ध्यान रखें कि ये जो होमवर्क हम कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम भाव तक पहुंच रहे हैं। भाव तक पहुंचने के साथ फिर हम ये देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं कि ये जो भाव मेरे में इस समय चल रहा है, इसका जो सोर्स है वो बाहर की परिस्थिति है, कोई व्यक्ति है, या मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ, अगर ये बात दिख जाती है तो काम करने का स्कोप क्लियर हो जाता है कि अब तो मुझे स्वयं के संस्कारों को सही से मूल्यांकन करना है, इवेल्युएट करना है, यही करने का काम है। लेकिन अभी इसको निष्कर्ष के रूप में ना लें, इसको ओपन रखें और खुले मन से ऑब्जर्वेशन करें और देखें 1 2 3 में क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरे सुख दुख का जिम्मेदार मैं ही हूँ, परिस्थिति है, या कोई व्यक्ति है। तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन रखेंगे तो हम लोग का सबका जो है ध्यान देने की प्रक्रिया में और भी ध्यान जाएगा। जी भैया नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। इंग्लिश सत्र में मेरा मेरा एक क्वेश्चन बच गया था, समय नहीं था, अच्छा इसलिए अच्छा इसको पूछ लेता हूँ कि जब कोई सिचुएशन में कोई वक्ता जाता है हमारे सामने, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या फिर से बोलिए भैया, फिर से बोलिए। जब कोई कोई मतलब बोलता जाता है अच्छा कुछ, अच्छा मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक ठीक है। तो जी। इस समय ये तो मैं तो उसके प्रतिक्रिया अनुरूप मैं नहीं बिहेव करूंगा, ये तो समझ गया। लेकिन मैं कुछ इशारा कर सकता हूँ क्या साइलेंस होने के लिए, जैसे मुंह के आगे अंगूठा रख के बंद करने की इंगित कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या?
ठीक रहेगा। अच्छा हाँ नहीं भैया, तो उसमें हमें पहले ही देखना पड़ेगा कि उसके चुप हो जाने से क्या मेरे संस्कारों का एवोल्यूशन हो जाएगा, वो संस्कार जो बार बार ट्रिगर हो रहे हैं, जी, नहीं तो है ना? ये अगर वो तो हम संस्कार बोल, एवेल्युएट हो जाए। जी जी, हाँ बताइए बताइए। हाँ ये यही बोल रहा था कि इसको तो हम बंद करना चाहिए, क्योंकि इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे नुकसान है, मेरे वातावरण को नुकसान है, तो इसलिए मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, ये मेरा इंटेंशन है। इसके साथ मैं क्या करूँ? बंद करना चाहता हूँ मतलब बाहर वाला व्यक्ति जो ज्यादा बोल रहा है उसे चुप कराना चाहते हैं ना? हाँ, नहीं तो यह इसका रिपरकशन एटमोसफेयर में आएगा, वातावरण में आएगा, और कुछ लोग भी प्रभावित होंगे, तो इस समय क्या करेंगे? जी भैया, तो वही मैं बात कर रहा था, अपनी बात पूरी कर लेता हूँ कि जी, अल्टीमेटली तो देखिए, अल्टीमेटली तो हमको अपने संस्कारों का एवोल्यूशन करना है ठीक से। तो अपनी कल्पनाशीलता में जो चल रहा है उसके पीछे जो विचार और पीछे जो भाव है, तो बेसिकली देखेंगे बाहर कोई बोल रहा है इसलिए मेरे अंदर रिएक्शन आ रहा है, या उसके बोलने से मेरे कुछ संस्कार ट्रिगर हो जाते हैं, वो संस्कार ट्रिगर हो जाते हैं उससे मेरे में रिएक्शन आ रहा है, ये बात तय करना जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि उसको हम चुप भी करा देंगे लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आएगा फिर हमारा संस्कार ट्रिगर होगा, तीसरा व्यक्ति आएगा फिर संस्कार ट्रिगर होगा। अगर हम ये प्रोसेस लेंगे कि बाहर वालों को चुप कराते रहेंगे तो फिर हमारा संस्कार का मूल्यांकन ठीक से नहीं हो पाएगा, और वो जैसे ही व्यक्ति बदलेंगे हमारे संस्कार ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएंगे, है जी ना? वो चुप हो जाए ये ठीक है क्योंकि पूरा वातावरण गड़बड़ अगर हो रहा है तो, लेकिन उससे पहले हम इस बात को ठीक से देख लें कि मेरी ट्रिगरिंग उसके बोलने से हो रही है या मेरी ट्रिगरिंग मेरे संस्कारों से हो रही है, ये बात क्लियर होना जरूरी है। अगर ये बात क्लियर हो जाए कि वो तो केवल शब्द बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा कुछ व्यवहार कर रहा होगा, उसके बोलने से मैं सुनता हूं और फिर मैं जो निर्णय लेता हूँ उस निर्णय से मैं ट्रिगर हो रहा हूँ, ये बात अगर क्लियर हो जाए तो पहले मैं अपने निर्णयों को ठीक करूंगा, निर्णय मतलब अपने संस्कारों को ठीक करूंगा, इवेल्युएट करूंगा संस्कारों का, एक बार मूल्यांकन ठीक हो जाए फिर मुझे क्या सहज स्वीकार भाव है उससे मैं अपने विचार को फैलाऊंगा, उस भाव से जब विचार को फैलाऊंगा फिर उस व्यक्ति के लिए क्या करना है वो ठीक से प्रोग्राम बन पाएगा। नहीं तो जी अभी जी क्या है, वो विरोध में है ना, और उसके विरोध के भाव से व्यवहार और विचार गलत हो रहा है और हम भी विरोध में हैं। अब जो दो व्यक्ति जो दोनों ही विरोध में हैं आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो पूरे वातावरण में हार्मोनी इंश्योर होगी या और कॉन्ट्राडिक्शन इंश्योर होगा, है ना? तो अभी हो क्या है सकता है। हम, जी हाँ बताइए क्या हो बताइए सकते बताइए। हैं, नहीं तो अगर अभी वो तो भी ये, रिएक्शन जी में, हाँ बताइए बताइए। जी हाँ वो भी रिएक्शन में, हम भी रिएक्शन में, तो पूरे वातावरण में क्या इंश्योर होगा? एक तो ये देख लीजिए। दूसरा ये है कि वो तो जो बोल के है बोलना है बोल के चला जाता है, अगर हम चीजों को पकड़े रहता है ना तो हमारे संस्कारों में बहुत उथल पुथल बनी रहती है। जैसे मान लीजिए कोई कुछ कह के चला गया, अब हम सुबह से शाम तक उसको पकड़े हुए हैं, है ना? अब उसको हम पकड़े हुए हैं, हमारा दुख तो जब तक उसको पकड़े रहेंगे तब तक बना रहेगा, वो चुप हो या ना हो, सोते समय भी उसका ध्यान आ जाएगा तो अपना दुख बना रहेगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में बात करेगा तो भी अपना दुख बना रहेगा, हमारा दुख ज्यादा देर तक बना रहेगा अगर हम अपने संस्कारों को ठीक से एवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं तो। तो आप उसको कुछ कहेंगे चुप होने को, है ना, और वो सुन लेगा, ये बहुत ही कुछ सेकंड्स की बात है, लेकिन उससे पहले आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो अपने में चला रहे हैं इसका जो प्रभाव आपके संस्कारों पे पड़ रहा है उसको समेटना और मुश्किल होता जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसका प्रभाव जो आपके शरीर पे पड़ रहा है उसको भी समेटना एक बड़ा काम है ना? तो बहुत सारी साइकोसोमेटिक डिसीजेज जो होती है इसी कारण हो जाती है, हम किसी के लिए कुछ चलाते रहते हैं अंदर ट्रिगर रहते हैं उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। और ध्यान से देखेंगे शरीर के
प्रभाव पड़ने के साथ ही जब आपका व्यवहार दूसरों के साथ होगा उसमें भी आप विरोध की ही बातें करने लगेंगे, या तो उसके बारे में निगेटिव बोल रहे होंगे या कुछ और विरोध की बात करने लगेंगे। तो एक तो वो ट्रिगर कर रहा है एनवायरनमेंट को, दूसरा हम भी ट्रिगरिंग एजेंट हो जाएंगे एक, तो ये दिख जाए कि दोनों तरफ से डैमेज हो रहा है। वो जो कर रहा है उससे जो डैमेज हो रहा है एक बात है, लेकिन मेरे संस्कार में जो ट्रिगरिंग हो रही है उससे जो मेरे में विरोध आ रहा है उससे मेरे विरोध के संस्कार मजबूत हो रहे हैं, ये भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। उससे मेरे शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है, वो भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो मैं बाहर इन्फेक्शन करूंगा उसका भी वातावरण पे प्रभाव पड़ रहा है। इतना अगर दिख जाए तो कम से कम मेरे में जो प्रभाव पड़ रहा है उससे मैं मुक्त हो सकता हूँ, मेरे शरीर पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, मेरे थ्रू जो वातावरण में जा रहा है वो भी डाइल्यूट हो सकता है। इतने के साथ जब मैं दूसरे के लिए प्रोग्राम बनाऊंगा है ना, तो कुछ पॉसिबिलिटी है। और दूसरे की च्वाइस है, सुन रहा है सुन रहा है, नहीं सुन रहा है नहीं सुन रहा है, क्या करेगा। सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो भी मैं अपने संस्कारों का तो इवैल्यूएशन करके अपने दुख से मुक्त हो ही सकता हूँ, ये पोटेंशियल है। ये अगर दिख जाए तो फिर एक सही प्रोग्राम बन सकता है। आप बताइए अच्छा, भाई। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है क्या? मतलब पहले मैं मेरे अंतकरण को, मेरा कॉन्शियसनेस को ठीक रखूंगा, इसके जी बाद कुछ इशारा कर सकता हूँ, तो ऐसे चलेगा क्या? जी अगर भाव के साथ आप कोई चीज कम्युनिकेट करेंगे तो वो पहुंचेगी। और दूसरी बात, उसको चुप कराना एक मकसद है या नहीं, जबरदस्ती भाव के नहीं। साथ जब हम देखेंगे? हाँ हाँ जी 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 तो भाव के साथ चलेगा। देखेंगे तो हम उसका ध्यान दिलाएंगे, है ना? तो ध्यान दिलाएंगे तो दो तरह का ध्यान देने का स्कोप है। एक तो उसका ध्यान चला जाए कि वो अपने विचारों में क्या चला रहा है, दूसरा उसका एक्सप्रेशन पे ध्यान चला जाए, है ना? तो दोनों बातों पर हम ध्यान दिला सकते हैं। लेकिन अगर मेरे में स्नेह का भाव बना रहेगा, मैं कंफर्टेबल रहूंगा, तो उसका ध्यान दिला पाऊँ उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अच्छा ठीक। देखिए, आपके जैसे घर में भी आप देखेंगे ना, जी कई बातें लोग मेरी एक्सेप्ट करते हैं, कई बात लोग मेरी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, है ना? तो कोई मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिजेक्ट कर दे रहा। जैसे आपने घर में वाइफ से बेटी से कुछ कहा और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये इतना बड़ा इशू नहीं बनता है। इशू क्या बनता है, जिस लैंग्वेज से हम बोलते हैं, जो हमारे में विरोध का भाव आता है, अपोजिशन की फीलिंग आती है, उस फीलिंग के साथ जो हम शब्द करते हैं, बॉडी लैंग्वेज निकालते हैं, उससे लोग ज्यादा हर्ट होते हैं। वही चीज अगर वो सामने वाला व्यक्ति, वाइफ या बच्चे, स्नेह पूर्वक कुछ बात को बोल दे कि अभी तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो उतना हर्ट नहीं करता है। लेकिन वो जो अपोजिशन की फीलिंग के साथ हम एक्सप्रेस होते हैं ना, और उसको जब रिजेक्ट करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति ज्यादा हर्ट होता है। सेम केस बाहर भी है, हम किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं तुम्हारे ज्यादा बोलने से मुझे परेशानी हो रही है, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि हम विरोध के भाव में होते हुए, अपोजिशन की फीलिंग होते हुए, उसके लिए बहुत सारा बैकग्राउंड वातावरण में पहले से क्रिएट कर रहे हैं, उस सब की इन्फॉर्मेशन उसको पहुंचती रहती है सामने वाले को देर सवेर, और पूरे रिएक्शन के साथ जब हम मना करते हैं कि अब बोलना नहीं है, तो वो ज्यादा हर्ट होता है ना? फिर वो भी रिएक्शन में आता है क्योंकि हम रिएक्शन के साथ ही चीजें कर रहे हैं। जी भैया, जी धन्यवाद आपका, बढ़िया बढ़िया समझाया, बढ़िया अच्छा लगा। हाँ, और ये मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात लगती है ना? मैं तो अपने लिए देख पाता हूँ कि 10 चीज़ों को मैं भी, चीज़ों को मना करता हूँ। हर चीज़ कोई मुझसे कह रहा है मैं कर ही दूंगा, चाहे वो सही हो गलत, ऐसा नहीं है। लेकिन मना करते समय अगर हम भाव ठीक रखें अपना, और अपनी स्थिति को पूरे तरह से व्यक्त कर सके, तो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है हमारे रिजेक्शन को भी। लेकिन अगर हम खुद अच्छा विरोध में रहते हैं, खुद परेशान रहते हैं, है ना, खुद 10 लोगों से उसकी बारे में निगेटिविटी कह रहे हैं, तो व्यक्ति का रिएक्शन और बढ़ता जाता है। जी जी धन्यवाद। है मेरा इसी व्यक्ति से वातावरण में 3 चीज के बेसिस पर जो हम लोग निर्णय ले रहे हैं अपने दुखी और सुखी होने का, तो उसमें बाहर के वातावरण से या किसी व्यक्ति से कुछ ट्रिगर हुआ, लेकिन उसके बाद जो हम
निर्णय ले रहे हैं वो तो वही ना कि अपने सहज स्वीकृति को नहीं देखते हैं या अपने भाव को नहीं देख पाते हैं और पहले से कुछ मान्यता बनाए हुए हैं तो उस पर मतलब निर्णय ले लेते हैं दुखी होने का या सुखी होने का। कभी होता है जो सेम ही बात होती है लेकिन प्रभावित अच्छा हो जाता है थोड़ा। इसी पर है कि मन हम जो निर्णय ले रहे हैं दुखी और सुखी होने का तो वो कैसे ले रहे हैं यही इसी बात पर थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन कर रहे थे जी। जी हेलो हाँ दीदी, मतलब आपका प्रश्न क्या दीदी इसमें? इसमें यही पूछना चाह रहे हैं कि मैं अपने दुखी और सुखी होने के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ ये चीज एक्सप्लोर करना है तो इसमें जो हम निर्णय लेते हैं। अच्छा एक लाइन बोल दो नमस्ते बस बोल दो। नमस्ते नमस्ते हाँ हो गए तो नमस्ते। मैं निर्णय ले रही हूँ तो उसी बेसिस पर ना जो मेरा मान्यता है पहले से कुछ मान्यता एजम्पशन किए हुए हैं तो उसी बेसिस पर निर्णय ले लेते हैं ना दुखी होने का। ये उस समय अपने भाव को तो नहीं देख पाते हैं जो मेरा क्या सहज स्वीकृति है किसी भी घटना या किसी व्यक्ति से जो कुछ ट्रिगर हुआ हो जी, जी तो बहुत सारा हम कुछ माने रहते हैं, है ना, और उसको जो माने जी रहते हैं उसी का एक्सपेक्टेशन किए रहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम जी 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 एक्सपेक्टेशन करते हैं और सामने वाला पूरा नहीं कर पाता है तो फिर हम परेशान होते हैं, है जी ना। हाँ लेकिन उसके जगह पर हमको उसके जगह पर होना क्या है जो हम अपने सहज स्वीकृति को देख लें अपने भाव को देख लें कि क्या मुझे जो चीज में बाहर से कुछ ट्रिगर हुआ तो ट्रिगर हुआ तो उसमें हम ये देख लें हम किस भाव की निरंतरता चाहते हैं हमको सहज स्वीकार क्या है तो फिर हम अपना सुखी होने का निर्णय ले पाएंगे ना तब उस जी चीज से तो बिल्कुल इतना प्रभावित नहीं होंगे कुछ। जी जी, ये जो पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, स्टेप वन ऑब्जर्वेशन जी 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 हाँ एज इट जी इज देखना, तो जब मैं अपने को देख रहा जी हूँ जी तो भी एज इट इज देखूँ, और जब मैं बाहर देख रहा हूँ तो भी एज इट इज देखूँ, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो बाहर जी जब देख रहा हूँ कोई बोल रहा है तो एज इट इज देखने का मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति जो बिहेवियर कर रहा है इसके पीछे थॉट्स में इश्यू है, ये मैं देख पा रहा हूँ, उसके पीछे इसके भाव में इश्यू है, संस्कार में इश्यू है, ये मैं देख पा रहा हूँ, इन संस्कारों से निकलने का इसमें भी पोटेंशियल है, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। अब इस पोटेंशियल को ध्यान में रखूंगा और मैं अपने संस्कारों को इवेल्युएट करके बाहर आ सकता हूँ और अपने पोटेंशियल को ध्यान में रखूंगा तो रिएक्शन नहीं आएगा। होता क्या बिल्कुल है, बिल्कुल उसमें भी कुछ पोटेंशियल है, इस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है, उसको हम सुन रहे होते हैं और अपने पोटेंशियल को रेफर ना करके अपने संस्कारों से कुछ स्टार्ट करते हैं, इस कॉम्बिनेशन में रिएक्शन आता है सही ना। बात है। तो जो ऑब्जर्व कह रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एज इट इज ऑब्जर्व करना, एज इट इज में देखेंगे तो मेरे भी अपनी संस्कारों की एक स्थिति है लेकिन इसके बाद में देखने का पोटेंशियल मेरे में है, दूसरे में भी संस्कारों की स्थिति है कुछ लेकिन उसमें भी देखने का पोटेंशियल है। जब हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अपने को भी देखेंगे दूसरे को भी देखेंगे तो जो हमारा कम्युनिकेशन होगा उसमें फिर रिएक्शन नहीं आएगा, है जी ना। अभी स्लिप क्या हो जाता है, अपने को हाँ देख रहे हैं पोटेंशियल पे ध्यान नहीं है, संस्कारों से स्टार्ट करते हैं, दूसरे को देख रहे हैं उसके संस्कारों से को भी नहीं देख पा रहे हैं, उसकी तो भाषा और केवल लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने को भी पूरा नहीं देख पा रहे हैं एज इट इज, दूसरे को भी पूरा नहीं देख पा रहे हैं एज इट इज, तो रेफरेंस कहीं और सेट कर लेते हैं, उस रेफरेंस से हमारे में भी रिएक्शन आता है और फिर दूसरे साथ भी हम सही से व्यक्त नहीं हो पाते हैं। हाँ वही है ना हम लोग जो एक अपना पुराना अभ्यास बनाए हुए हैं संस्कार बनाए हुए हैं कि दूसरे से अनुकूल भाव और अनुकूल संवेदना मिले वो वाला चीज से ही वो हो जाता है उसमें हम लोग नहीं देख पाते हैं कि किसी के तरफ से हर बार बोलने से ही नहीं होता है बहुत बार मौन से भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है बहुत बार। अब आजकल तो झगड़ा व्हाट्सएप पर भी हो रहा है मैंने मैसेज किया आपने उसको इग्नोर कर दिया रिप्लाई। हम लोग दूसरे की परिस्थिति नहीं देख पा रहे जो व्यस्त है या उसको कोई परेशानी है वो बहुत हड़बड़ी में है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं कि अरे वो तो इग्नोर कर रहा है। तो इसी चीज को वो जो हम लोग अपना संस्कार बता रहे हैं दूसरे दूसरे मुझे दुखी कर दिया
उसका व्यवहार हर हमेशा संयमित हो और अपने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम मतलब उसमें हम अपना कैसा भाव बनाए हुए हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं, इसी से कहीं ना कहीं वो दिक्कत हो रही है। यदि हमारा अपने जी पर ध्यान हो तो फिर ठीक रहेगा कि हम भाव। हाँ तो यहाँ पर ना भैया यही चीज जो है ना, कल का जो असाइनमेंट है कि 100% रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ, उसको जब तक सही से नहीं देख लेंगे तो अपने मन से ऐसे कंक्लूजन दे देने पर मैं ही हूँ उससे कुछ होगा नहीं, तब जी कैसे मैं हूँ उसको नहीं। हम कभी अपना सेल्फ इवेल्युएशन में नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो ये मुझे लगता है कि ये सब मेरे लिए उतना उपकारी नहीं होगा, उसे कुछ अच्छा होगा नहीं, इसलिए हम इसमें ध्यान देना चाह रहे हैं कि हाँ कैसे मैं ही हूँ। बाहर से कुछ परिस्थिति है या किसी व्यक्ति का कुछ ट्रिगर हुआ है तो उसमें जो मेरे उस समय जो मेरी स्थिति या मेरा भाव होता है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये चीज को अपने में सही से वो जी उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार लिया है बिना वेरीफाई किए। मेरे लिए सहज भी है कि नहीं, असहज है कि नहीं, वो सब बिना वेरीफाई किए बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार लिया है। अब जब स्वीकार लिया है तो मेरे कॉन्शियसनेस में जाकर, चेतना में जाकर वो बैठ गया है। अब बैठ गया है तो बार बार वो ट्रिगर होता है। इस हाँ अर्थ में मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने उसको बिठाया है ना। अच्छा अब उसको निर्णयपूर्वक ठीक कर सकता हूँ, ये भी क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल 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 जी ये चीज जी तो मैं पूरी बात को एक बार समअप कर देता हूँ। हाँ दीदी के साथ जो डिस्कशन हुआ है, तो देखिए ये जो ठीक ऑब्जर्वेशन है बोल ना रहे हैं। भैया। हाँ दीदी, ठीक है ठीक है, आप म्यूट म्यूट कर लीजिए, मैं बस एक समअप कर देता हूँ। नमस्ते सभी को। तो जस्ट मैं ये प्रक्रिया को समाप्त कर देता हूँ। दीदी के साथ जो बात हुई है, तो हम लोग जो स्टेप वन में बात कर रहे हैं ना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व का मतलब ही यही है, चीजों को मैं अपनी कल्पनाशीलता को भी एज इट इज देखूँ, संस्कारों को भी एज इट इज देखूँ, मेरे में जो पोटेंशियल है उसको भी मैं ठीक से देख लूँ। जब दूसरे से बात कर रहे हैं तो उसको भी एज इट इज देखना, दूसरी भाषा में कहें कि राइट इवेल्यूशन करना। तो अभी क्या हो रहा है कि हम अपने को एज इट इज नहीं देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं संस्कार हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो संस्कार की जगह से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन देखेंगे तो संस्कार से सूक्ष्म भी चीज हमारे में बनी हुई है, देखने का पोटेंशियल, जिसको सहज स्वीकृति कह रहे हैं, B1 ब्लॉक कह रहे हैं, जैसे भी कहना हो। तो मेरे में भी हुआ है ना, और इसका रेफरेंस लेकर मेरे में ये पोटेंशियल है कि मैं अपने संस्कारों को इवेल्युएट कर सकता हूँ। इतना मुझे अपने बारे में पता चल जाए, इतना ही दूसरे के बारे में भी पता चल जाए कि वो व्यवहार कर रहा है क्योंकि उसके पीछे कुछ विचार चल रहा है, क्योंकि उसके पीछे कुछ भाव चल रहा है, क्योंकि उसके पीछे उसका कुछ संस्कार है। इन सब के साथ उसमें भी देखने का पोटेंशियल है। ये दोनों चीजें एज इट इज हमको क्लियर हो जाए। अभी क्या होता है कि हम अपने में अगर विचार तक पहुंचे तो दूसरे केवल विचार को ही देख पाते हैं, और फिर विचार से विचार को सेट करने की कोशिश करते हैं तो कोई बहुत फ्रूटफुल सोल्यूशन निकल नहीं पाता है। अगर हम अपने में भाव तक ही देख पा रहे हैं तो दूसरे के भी ज़्यादा से ज़्यादा भाव तक ही पहुंच सकते हैं। हम अपने संस्कार को देख पा रहे हैं तो दूसरे के संस्कार को भी देखने की संभावना बन जाती है। उसके साथ अगर हम अपने पोटेंशियल को भी देख पा रहे हैं तो हम दूसरे में जो इननेट पोटेंशियल है उसको भी देखने की संभावना बन जाएगी। तो जितना जितना मैं गहराई से अपने में प्रक्रिया को देखता जाऊंगा, मुझे ये दिखता जाएगा दूसरे में भी यही है। संस्कारों की स्थिति अलग है मेरी और उसकी, लेकिन प्रक्रिया में तो यही जाएगा। अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो अपनी पोटेंशियल और अपने संस्कारों की स्थिति, और दूसरे का पोटेंशियल दूसरे के संस्कारों की स्थिति, यहां से स्टार्ट नहीं करते हैं। जनरली होता है क्या, हम अपने संस्कारों की स्थिति से स्टार्ट करते हैं, और संस्कार में जो भी ट्रिगर होता है हमको लगता है मेरे में ट्रिगर हो रहा है, मैं ही तो कर रहा हूँ ये। जबकि ये भूल जाते हैं हम लोग, ध्यान नहीं रहता उस समय कि ये जो कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब इसको निर्णय पूर्वक मैं ठीक भी कर करता हूँ। अपने अगर देखने की क्षमता को हम बढ़ाए तो, है ना, देखने की क्षमता तक पहुंचे तो,
इतनी पॉसिबिलिटी दूसरे में भी है, दूसरे का भी अगर ध्यान चला जाए कि उसमें भी देखने की क्षमता है, तो वो भी अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। अगर ये दो चीजों की क्लियरिटी हम में नहीं है, तो या तो हम अपने संस्कारों को सप्रेस करते रहते हैं तर्क के आधार पर, एक विचार से दूसरे विचार में शिफ्टिंग करते रहते हैं, तो दुख वाले आ गए, उससे भाग के कल्पनाशीलता में कहीं और पहुंच जाते हैं। यही प्रोग्राम हम दूसरे के लिए बनाते हैं कि वो अपना रास्ता बदल ले, जो मैं नहीं चाह रहा हूँ वो ना बोले ना करे, कुछ और सोचने लगे, उसको भी हम सप्रेस करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में हम भी दुखी रहते हैं, दूसरा भी दुखी रहता है। तो दूसरा दुखी रहता है एक बात तो है ही, लेकिन अपने में अगर हम देखेंगे, अगर हम इस प्रक्रिया को समझ रहे हैं, तो अपने में जो रिएक्शन आ रहा है उसका तो हमारे और भी संस्कारों पर प्रभाव पड़ रहा है। तो हम जितना चीजें सेटल करते हैं एक्सरसाइज से, लेकिन जब रिएक्शन में आते हैं, है ना, तो और संस्कारों को भी बल मिलता है जो अन्यथा वाले संस्कार हैं, तो हम और अंदर चले जाते हैं, फिर निकलने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। तो ये पूरा देखना जरूरी है, तो मैं भी अपने को पूरा देख पाऊं और दूसरे को भी पूरा, पूरा मतलब उसकी कल्पनाशीलता में संस्कार की स्थिति और उसका पोटेंशियल, अपनी कल्पनाशीलता में, अपनी कॉन्शियसनेस में कल्पनाशीलता में संस्कार की स्थिति और पोटेंशियल, इतने के साथ स्टार्ट करेंगे, तो फिर बहुत सारा इश्यूज जो है रिएक्शन को लेकर ये रिजॉल्व हो सकता है। दूसरी बात, अगर और सिंपल भाषा में इसी बात को हमें रखना है, तो मैं इसको इस तरह से भी रख सकता हूँ कि जब हम दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो हम सेंटर किसको बनाएंगे, अपनी सहस्वीकृति बना को बनाएंगे, सहस्वीकृति से होने वाले भाव को बनाएंगे, या सेंटर उसकी भाषा बनेगा, उसका व्यवहार बनेगा, उसके संस्कार बनेंगे। सेंटर क्या होगा, किस चीज को सेंटर में रखकर मैं उससे कम्युनिकेट करूंगा। अभी होता है क्या, हमारा जो सेंटर है ना, ये जो खूंटा है, यही शिफ्ट हो जाता है, ये बहुत जल्दी सामने वाले का व्यवहार और विचार हो जाता है। अब एक बार सेंटर ही शिफ्ट कर दिया, तो फिर हम बाध्य हो जाते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, ऐसा लगता है कि अब वो जो कह रहा है उसी से ही सब चलेगा मेरे को। तो सिंपल भाषा में इस बात को इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, परिस्थितियों में हैं, परिस्थितियों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो हमारा सेंटर क्या होगा, हमारा पोटेंशियल होगा, दूसरी भाषा में सिंपल भाषा में हमारी सहस्वीकृति होगी, उससे होने वाले भाव होंगे, या दूसरे का व्यवहार होगा, उसका विचार होगा, उसके संस्कार होंगे। ये सेंटर एक बार फिक्स कर लीजिए तो तय हो जाएगा कि मुझे तो इसी पे सेंटर पे रहना है। अब इससे जब सोचेंगे तो हम दूसरे वाले को ठीक ठीक देख पाएंगे, उसके पोटेंशियल देख पाएंगे, और उसके भी संस्कार की स्थिति को देख पाएंगे कि भाई ये जो कर रहा है इससे भी ये कोई कंफर्टेबल ऐसा थोड़ी ना है, इसका भी ध्यान चला जाए, इतना ही इस पर प्रक्रिया पर ध्यान दिलाना। तो जब हम इस तरह से देखेंगे, तो दूसरे का ध्यान दिलाने तक मेरी जिम्मेदारी है, या वहां तक सोल्यूशन है, ये हम देख पाएंगे। लेकिन अगर उतना ध्यान में नहीं बना रहेगा, तो हमको लगेगा दूसरा बस उतना ना करे जितना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे आप देखेंगे ना, कई ऑफिसेस में, कैंपस में लिखा होता है कि यहाँ शराब पीना मना है, तो कहे इतनी ही बात कर रहे हैं कि यहाँ पीना मना है, बाहर तुम जितना पीते रहो। हम यहाँ पर जब बात करें तो ये कह रहे हैं यहाँ भी पीना मना है, और तुम्हारे जो शरीर के लिए नर्चरिंग कर रहा है उसको भी ठीक से समझ लो, और उसको समझने का तुम्हें पोटेंशियल भी, वहाँ तक व्यक्ति को पहुँचाने की बात है। लेकिन अभी हम लोग ये वाला सोल्यूशन ज़्यादा लेते हैं, मेरे सामने करना मना है ना, इस घर में मना है, इस ऑफिस में मना है, ये वाला सोल्यूशन ज़्यादा लेते हैं। पोटेंशियल के साथ देखेंगे तो हमको ये दिखेगा कि उसके संस्कार की स्थिति और उसके पोटेंशियल की तरफ ध्यान दिलाएंगे, तो वो अपने आप में भी तय कर सकता है व्यक्ति कि उसके लिए क्या सहज है, और इंटरेक्शन करते समय हमसे इस बात को ध्यान रख सकता है कि हमारे लिए भी क्या सहज है। इतना सॉल्यूशन का रेंज है, हमको अपने में देखना पड़ेगा अभी हम सॉल्यूशन को किस रेंज तक ले जाते हैं। तो मुझे लगता है मैं अपनी बात को पहुंचा पाया, अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस, जो मैं कहना चाह रहा हूं।
ठीक है, वो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी बात पहुंच रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम सोल्यूशन की रेंज भी कहाँ तक देख रहे हैं। इतने एक्सपेंशन में जब हम चीजों को देखेंगे, इतने दूसरे व्यक्ति को भी उसके पोटेंशियल और संस्कार की स्थिति के साथ देखेंगे, तब बहुत सारा सोल्यूशन हम उसके लिए भी उतनी डेप्थ तक सोच पाएंगे। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते सभी दीदी। को। जी हाँ भैया, कल का एक ऑब्जर्वेशन था कि जी जो ये बात हो रही है कि मेरे अंदर जो भी भाव विचार चल रहा है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ या बाहर की परिस्थिति या कुछ और। तो भैया, कल का ऐसा सिनेरियो हुआ कि मुझे कॉलेज थोड़ा जल्दी जाना था, तो उस वजह से ना मुझे लेट हो गया था। तो लेट हुआ तो मैंने अपने स्पाउस को तो बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं करेंगे। फिर मैंने किसी एक और व्यक्ति से सहायता लेने की कोशिश की, बट उस टाइम पे क्योंकि वो भी मतलब स्टेबल में नहीं था, तो उसने भी मना कर दिया। तो खैर, जैसे वैसे मैं गई और 10-15 मिनट के अंदर मेरी बस भी छूट गई। और 10-15 मिनट के अंदर यही भाव विचार चलते रहे दोनों के लिए कि क्या है ये, सब चीजें विचारों में चलती रही। और परसों भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मेरे साथ में एक और व्यक्ति मतलब मेरी साथ की कलीग थी, तो उसको मैं यही चीज समझा रही थी कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आराम से जा सकते हैं, छूट गया है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कॉलेज ही जाना है, ये सारी चीजें। बट कल मैं खुद में देख पा रही थी कि वही स्थिति जब मेरे साथ है तो मैं अभी हौच पौच में चल रही हूँ। फिर 10 मिनट 15 मिनट के बाद मैं पहले उससे एक स्टॉप पे पहुंची, वहां पे जब मैं उतरी तो फिर मेरे को ध्यान आया कि ये सब चीजों के लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो मैं इस तरह के भाव विचार क्यों चला रही हूँ कि ये नेगेटिविटी क्यों आ रही है, या मैं इसको विरोध का भाव ही क्यों दोनों के लिए आ रहा है कि जा सकते थे नहीं गए, ये सब चीजें क्यों नहीं समझा, अभी तो स्थिति भी ऐसी है। तो जब ये सोचा और उसके बाद फिर थोड़ा सा ध्यान गया कि नहीं, इसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। ठीक है, देर हो गई है, बस छूट गई है, कोई बड़ा इश्यू है नहीं। तो थोड़ी देर फिर सहजता में आई, फिर वहां से दूसरे स्टॉप तक जाना था, फिर ध्यान आया कि किसी से मैं सहायता ले सकती हूँ या कुछ। तो फिर साथ के एक सर थे, फिर पता चला कि रास्ते में से स्टॉप से वो भी चढ़ते हैं, तो फिर उनको कॉल किया, फिर उनके साथ जाने का मतलब फाइनलाइज हुआ कि ठीक है, वहां से उनके साथ जाऊंगी। फिर जितनी देर में सर का वेट कर रही थी, उतने देर में भी देख पाई कि बहुत सारे भाव चल रहे थे, कहीं चले तो नहीं गए हैं। एक डर भी बना हुआ था कि नहीं पहुंचूंगी टाइम से तो क्या होगा, एक चिंता का भाव भी चल रहा था। फिर सोचा कि मैं इतना ज्यादा इस टाइम पे इतना अविश्वास का भाव कैसे, जब उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैडम मैं आ रहा हूँ और फिर हम लोग चलेंगे, तो क्यों ये सारी चीजें हो रही है। तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर पाई भैया, तो मैं पूछना बेसिकली ये चाह रही थी। और हाँ, फिर क्या होता है कि फिर ये सारी चीजें नहीं, फिर उसके पास जब घर पे आते हैं तो उस टाइम पे भी क्योंकि कॉलेज के बाकी चीजों में आप बिजी थे, तो उन उन व्यक्तियों के लिए ना वो वाला भाव नहीं जा रहा था, या उनके बारे में वो विचार नहीं चल रहे थे। बट फिर देखा कि जब वो फिर से वो व्यक्ति सामने आता है, तो वो विचारों में कहीं ना कहीं चल रहा है। समझ भी रही हूँ कि विचारों में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ठीक है चलाने वाली मैं ही हूँ, डिसाइड करने वाले भी मैं ही हूँ कि अंदर चलना क्या है, लेकिन अभी शायद इतनी प्रैक्टिसिंग नहीं हुई है कि उस चीज को करेक्टली इवेलुएट कर पाऊँ कि इसको स्टॉप कर दूँ। जैसे सुबह की घटना जो मैंने बताई, तो उसमें तो ये था कि वो 2-3 बार चल रहा था विचारों में दोनों के प्रति विरोध का भाव, और थोड़ी देर के बाद फिर ये हुआ कि नहीं मुझे जाना है और उसके लिए मैं सहजता से जा लूँ, कोई बात नहीं देर हो जाएगी तो कोई इश्यू नहीं है, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, ये सारी चीजें। तो भैया उसी को मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों होता है कि जिसके लिए आपका विरोध का भाव चल रहा है, अगर आप उससे दूर हो या मतलब उस टाइम पे चले गए हो, तो वो कंटेंट थोड़ा कम रहता है। आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि नहीं, मतलब ठीक है वो उसका अपना परसेप्शन है या जो भी है, उसने अपने तरीके से रिएक्ट किया, बट मेरे अंदर क्या चल रहा है ये तो मैं ही डिसाइड करूंगी। तो फिर जब वो सामने आता है, तो फिर क्यों वो भाव निकलते हैं? भैया मैं अपनी बात पहुंचा पाई क्या, और मेरा ऑब्जर्वेशन ठीक था क्या? जी। देखिए, अच्छी बात है कि इस बात को हम देख पा रहे हैं, है ना, कि जी हमारे में जो चल रहा है उसका निर्णय तो मेरा ही है। जी भैया और इसको छोटी छोटी चीजों से ना कई बार देख सकते हैं, जैसे आपने एक घटना शेयर की है, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। और स्पेशली जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है ना, तब देखने वाला काम तो इजली हो ही सकता है। अदरवाइज अनुकूल भी है तब भी हम देख सकते हैं कि मेरे में जो चल रहा है उसका निर्णय तो मेरा ही जी है ना। तो बाहर कुछ चल रहा है, बाहर चल रहा है वो एक अपनी स्थिति से चल रहा है ना, जो भी चीज़ें होनी है वो हो रही हैं। लेकिन मैं ये जो
चलाने लगता हूं, ये मेरा निर्णय है, ये देखना जरूरी है। तो हमारे संस्कारों में इतना डेप्थ में चीजें बनी हुई है ना, कि छोटी छोटी परिस्थितियों में कुछ होता है और अंदर कुछ स्टार्ट होता है, इसको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ध्यान देंगे तो दिखेगा कि देखो मैंने अभी स्टार्ट हो गया है, मेरे में हो गया है, उसके पीछे मैंने किया है, क्योंकि उस तरह के संस्कारों को मैंने अपने में जगह दी हुई है ना। जैसे कई लोगों को देखेंगे, जैसे मान लीजिए पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ना पेड़ कुछ कह रहा है, ना पत्ता कुछ कह रहा है ना, ना ही मिट्टी कुछ कह रही है, सब चल रहा है चीजें नियम के तहत। अब एक आदमी बैठे बैठे यही सोच रहा है कि देखो पेड़ पत्तों ने पेड़ का साथ छोड़ दिया, एक दिन सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, है ना। अब कोई कुछ कह नहीं रहा है, या हम अपना ही निर्णय लेके चला रहे हैं हाँ और फिर उससे परेशान भी हो रहे हैं, एक दिन सब छात्र छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा फिर, ओके है ना। तो अभी बाहर कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ी घटनाएं जो नियम के तहत हो रही है वो हो रही है, लेकिन हम जो बहुत सारा चलाते रहते हैं ना चीजें, इसका विक्टिम तो हम ही बनते रहते हैं। तो अगर ये दिख जाए कि निर्णय मैं ही ले रहा हूँ, भाई पत्ता गिर रहा है पेड़ से, एक नियम के तहत हो रहा है, अब मैं ये जो अन्यथा चला रहा हूँ, इतना सारा क्या चला रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो हमारा संस्कार में बना हुआ है ना, कि चीजों को एज इट इज ना देखना, नियम के साथ ना देखना, घटनाओं के आधार पर कुछ निर्णय बना लेना, उसके आधार पर फिर विचार चलाने लगना, ये जो अभ्यास बना हुआ है ना, ये बहुत फैलता रहता है अपने में, है ना। तो घटना के घटनाओं को हम नियम के साथ नहीं देख पाते हैं, नियम को पीछे करके देखते हैं। तो एक आदमी ये सोच सकता है कि भाई पेड़ ने पत्तों का साथ छोड़ दिया है, एक आदमी ये भी सोच सकता है भाई देखो पत्ते मिट्टी में मिलना है, एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है, क्या करना है सब काम करके इतना। तो कुछ नियम के तहत चीजें हो रही हैं, जो बाहर हो रही हैं घटनाएं, उनको हम नहीं देखते हैं, फिर उन घटनाओं से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, उससे संस्कार बना लेते हैं, उन्हीं संस्कारों से दोबारा सोचने लगते हैं, उन्हीं से विचार फैलाने लगते हैं, उन्हीं से हम फिर दुखी होने लगते हैं, फिर अब मेरा दुख कोई दूर करेगा, वो बाहर से एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, फिर दूसरे पर दबाव डालने लगते हैं, ये सब प्रक्रिया में हम अपने ही बनाए हुए चीजों में फंस जाते हैं। तो ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की, और जो ऑब्जर्वेशन आपने किया है कि ये बात अगर क्लियर हो जाए कि बाहर कुछ घट रहा है, लेकिन अब मेरे में जो चल रहा है इतना सारा, वो तो मेरे निर्णय से ही चल रहा है, इतनी बात अगर क्लियर हो जाए तो भी हम बहुत रिलैक्स फील कर सकते हैं, भाई मैं चला ही क्यों रहा हूँ, अगर मेरे ही जिम्मेदारी है चलाने की, मैं चला भी क्यों रहा हूँ, इतना इतना फैला के भी क्यों चला रहा हूँ फिर। तो ये अच्छी बात है जो आपने शेयर किया है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। और देखिए अभ्यास पे हम ध्यान देंगे तो इस तरह की चीजें हमको दिखेंगी, तो जितना भी ये होम असाइनमेंट है, गृह कार्य है, ये हर समय करने वाला काम है 24 घंटे, और जितना हम गहराई से इस पर ध्यान देंगे और जितनी बार हमको ये दिखेगा कि मेरा निर्णय ही इसके पीछे चल रहा है, तो बहुत सारा तो ऐसे ही सेटल हो जाता है, फिर ये मैं निर्णय ले ही क्यों रहा हूँ, है ना, उसका आधार क्या है, सब तो आगे देखेंगे। लेकिन अगर इतना भी ध्यान चला जाए कि मैं भी इतना फैला ही क्यों रहा हूँ, तो भी चीजें सेटल हो जाती हैं, जैसा आपने शेयरिंग में किया, जी एक भैया। लेवल और पर एक चीजें सेटल हो अभी जाती हैं। जी एक दो दिन जी पहले का असाइनमेंट भी था कि कितने बार हम व्यक्तियों के साथ विरोध का भाव चलता है, क्या क्या चीजें चलती है, तो इस तरह का ये वाला जो असाइनमेंट था उसमें भी मतलब मेरे को देख पाई कि पूरे दिन के सिनेरियो में एटलीस्ट 10-12 बार ऐसा होता है कि विरोध का भाव, वही चीजें रिपीटेडली हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कुछ आ रहा है, अभी तक का पैटर्न जो चल रहा है, क्योंकि दो ही चीजें हैं, या आप घर पे हो या फिर आप ऑफिस में हो, तो क्योंकि मोस्टली टाइम आपको ऑफिस में रहना होता है, तो वहां पे कुछ ही व्यक्ति हैं जिनके प्रति इस तरह की बातें होती हैं और उनके लिए वो भाव भी बनता है, और फिर वो रिपीटेडली आप किसी और से भी बात करते हो। एक तो ये बात थी भैया। दूसरी बात ये थी कि मैंने पहले भी जैसे आपसे पूछा भी था कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे नजदीकी व्यक्ति होते हैं उनके लिए पहले तो हमारी मान्यता में ठीक रहता है कि नहीं, एक विश्वास का भाव रहता है, सम्मान का सब कुछ रहता है, लेकिन बार बार धीरे धीरे वही एक जैसी कंडीशनिंग होती रहती है, एक जैसे रिएक्शन निकलते हैं, तो फिर वो फिर विरोध के भाव में बदल जाते हैं। तो आपने बोला था कि क्योंकि हम भाव के साथ प्रस्तुत नहीं होते, तो भैया वो ना बीच में स्किप हो गया मेरे से एक्चुअली, तो मैं इसलिए उसको थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रही थी कि आप थोड़ा सा मुझे उसे फिर से बताएंगे क्या कि वो क्या बात थी, मेरे से स्किप हो गई है वो, जी जी मैं पहुंचा ही इस पर पाई अपनी बात का। जी इस पर मैं आता हूँ, पहले पहले वाली बात को आपका पूरा कर दूँ, है ना, जी बल्कि दोनों ही बातें जुड़ी हुई हैं, पहले और दूसरी बात जी आपकी।
तो मैं ये कहना चाह रहा था उस समय कि अभी हम जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि दूसरे के संस्कार को देख पाना और उसके जी देखने की क्षमता भी उसमें है, इसके साथ दूसरे को हम नहीं देख पाते हैं, जी है ना। तो अभी हम क्या है कि भाव के साथ स्टार्ट नहीं करते हैं, जनरली हम अपेक्षा के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जो जी बाहर वाले हैं वो हमारी अपेक्षा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है। हाँ लेकिन जिनके साथ क्लोज रह रहे हैं वो अपेक्षा नहीं कर पाते हैं, तो उनका प्रभाव बहुत पड़ता है हमारे ऊपर। तो हम विश्वास के भाव से अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो विश्वास के भाव की अपेक्षा से स्टार्ट करेंगे। सम्मान के भाव से अगर हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो सम्मान के भाव की अपेक्षा से स्टार्ट करेंगे। तो जो अपेक्षा पूरी नहीं कर पाएगा, और हमने ये मान लिया है कि अपेक्षा पूरी नहीं कर पा रहा इसलिए मैं दुखी हूँ, तो मेरा विरोध और बढ़ता है। और जितनी हाँ बार उन व्यक्तियों को देखेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो विरोध और बढ़ेगा, क्योंकि हमने ये मान जी लिया है कि ये अपेक्षा नहीं पूरी कर पा रहा इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। उसमें अगर ये दिख जाए कि ये अपेक्षा नहीं पूरी कर पा रहे हैं, एक भाग है, लेकिन मेरे दुख का कारण तो मेरे में जो हो रहा मेरे है ना, मैंने जो अन्यथा अपेक्षा कर रखी, मान रखा है जो, कि यही मेरे दुख को दूर कर सकते हैं, ये मेरे दुख का कारण है। फिर हमको ये दिख जाए कि अपने इन दुखों को देखना, संस्कारों को देखना और उसको ठीक से एवेल्यूशन करना, ये मेरे में क्षमता है, तो हम बाहर से शिफ्ट होकर अपने ऊपर आ सकते हैं। फिर अब तो मुझे अपने ऊपर भी काम करना है, और फिर इस अभ्यास को जितना कर पाएंगे और संस्कारों को जितना एवोल्यूशन कर पाएंगे, उतना उतना बाहर से मिलने वाले सुख या दुख से हम लोग मुक्त होते जाएंगे। ये पूरा प्रक्रिया है दीदी। जी भैया भैया तो वही जैसे मतलब चीजें चल रही हैं, वही विचारों में रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं, बट विचारों में क्योंकि वो चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए हमको उसको वैसे ही देखना है या दूसरे विचार पे शिफ्ट होना है, या मतलब वहां पर क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि भले ही वो थोड़ा देर के लिए ही रहता है, बट मतलब मैं ये बेसिकली पूछना चाह रही थी कि उस टाइम पे जो रिएक्शन तो हम बाहर नहीं कर रहे हैं क्योंकि विचारों में बहुत सारी चीजें चल रहा है, और उससे ये भी भाव भी समझ में आ रहा है कि विरोध का भाव बना हुआ है, तो उसको उस टाइम पे वैसे ही देखें, कोई दूसरी जगह शिफ्ट करें, उस टाइम पे क्या करना ठीक रहेगा? कि उस टाइम उसको देखते रहिए और अपने से पूछिए, ये जो चल रहा है ये मुझे सहज स्वीकार है क्या, मैं इसकी निरंतरता चाहता हूँ क्या, फिर देखिए क्या आंसर आता है। वो तो आंसर भैया नहीं अब आता है, हाँ आंसर अगर नहीं आता है तो ऐसा ना करें कि विचार को ही शिफ्ट करना है, दूसरे विचार में भाग जाए। नहीं जी आता है तो भी उसको देखते रहिए, आता है तो भी देखते रहिए, अच्छा और फिर देखिए उसके पीछे का भाव क्या है, फिर भाव जी के लेवल पर जाकर पूछिए ये भाव मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, उसका मूल्यांकन करिए। फिर पूछिए निर्णय कौन ले रहा है, फिर आपको आंसर मिलेगा निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ। इतना एज इट इज कर लीजिए, वो हम क्या करते हैं इतना एज इट इज नहीं करते हैं, उसमें नहीं कुछ प्लस करते माइनस करके ही मानते हैं, जी है ना। अभ्यास है ना हम लोग का कि कुछ ना कुछ तो जी अपना लगाएंगे। हाँ जी ठीक है भैया, ठीक एज इट इज है भैया, देखना, ये एक धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए हम एज इट इज देख पाएंगे ना तो एज इट इज चीजों को बता भी पाएंगे, क्योंकि हमारा एज इट इज देखने का अभ्यास नहीं है, इसलिए बताते समय भी आप देखेंगे ना छोटी सी बात को बहुत सारा कुछ लगा के या घटा के बोलते हैं, है ना। तो वो जी इसीलिए हो रहा है क्योंकि चेतना में, कॉन्शियसनेस में वो अभ्यास नहीं है कि एज इट इज देख पाए। तो जब बताने भी जाते हैं तो संस्कारों से कुछ जोड़ के बता देते हैं, और जब बता देते हैं तो फिर उसका प्रभाव तो दूसरे तक जाए रहा, वो तो जा ही रहा है। खैर, जाहिर तो ये एज इट इज जब देखने वाला काम पूरा होगा ना, तो हमारा जो बोलना है वो भी नियंत्रित होगा, व्यवहार है वो भी नियंत्रित होगा, स्वयं से होगा ये। फिर दूसरे के साथ ये जो बहुत सारा बोलने में भी स्लिप हो जाता है ना, इसका भी नियंत्रण हो सकता है। तो इसलिए वो ऑब्जर्वेशन की जो प्रक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, कि मैं चीज़ों को एज इट इज देख पाऊँ, संस्कार को ठीक से एवेल्यूएट कर पाऊँ, और जितना ठीक से मैं एवेल्यूएट कर पाऊंगा उतना ही हमारी भाषा, शब्द, बॉडी लैंग्वेज में ठीक से जाएंगी चीज़ें बाहर, उतना ही मैं दूसरे को मैं देख पाऊंगा, तब एक तृप्ति पूर्वक, है ना, जो हम लोग लेके चल रहे हैं।
उसका एक मार्ग ओपन होगा जीने का। जी दीदी, भैया धन्यवाद, भैया धन्यवाद, नमस्ते सभी को। और भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते देवी, नमस्ते। भैया उस दिन जो मैं शेयरिंग कर रही थी उसमें आवाज मेरी चली गई थी, शायद मेरा नेट भी चला गया, जी, तो अब बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत बढ़िया, और जिसमें हम लोग अपने सेल्फ में जो मैंने चेंजेस देखे, तो जो दया करुणा कृपा का भाव, तो मैं उसको एक शेयरिंग के साथ और एक पिछली घटना के साथ अगर जोड़ के देखो तो ये कहीं अंकुर मेरा काफी छोटी एज में ही उठा था, तो उस स्थिति को देखते हुए तो मैं अपने भावों को देख पाई कि जब तक हम लोग अपने भाव नहीं सही तरीके से देख पाते तो हम अपने पोटेंशियल में तो शक करते ही हैं पर दूसरे में भी हेल्प नहीं कर पाते, और अगर हम दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो वाकई में धीरता वीरता उदारता हमारे लिए वो मानव का मानव के साथ जो संबंध है वो कभी भी सही नहीं हो सकता, और प्रकृति के साथ तो बहुत ही दुख की बात है। तो बीच में यूएसवी ज्वाइन करने से पहले जो मेरी दशा थी छटपटाना, बहुत बुरी तरीके से छटपटाना, उसको भी रिजॉल्व कर पाई, और वो छटपटाहट तो जो उसमें एक रिजॉल्व होने की स्थिति बन पाई, तो उसको भी अभी मतलब कि मेरे को समझिए 1.5 साल में वो भाव मैं पकड़ पाई कि हाँ ये भाव कितने इम्पोर्टेंट है फीलिंग्स, क्योंकि ह्यूमन का ह्यूमन के साथ जो बिहेवियर है ना, तो वहां हमारी ऑपोजिशंस हमारे आड़े आके खड़ी हो जाती है, तो अगर हम थोड़ी सी सहजता और अवेयरनेस के साथ चलते हैं ना, तो दूसरा भी तो हमारे जैसा ही है, तो उस भाव के साथ भी अगर हम चलते हैं ना तो बहुत सारे रिजॉल्व होते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी, पहले तो अपने साथ ही रिजॉल्व होता है आदमी, तो फैमिली के साथ जो संबंध बनते हैं उसमें जो हार्मनी होती है तो उसमें बहुत एक गुड फीलिंग्स है, उस गुड फीलिंग्स में परिवार के साथ, बच्चों के साथ और अदर दूसरी फैमिली के साथ और फिर दूसरे सोसाइटी के साथ, एक जो डर था ना वो डर भी बहुत कम हुआ, बहुत कम, क्योंकि पहले मैंने अपने आप को तो शरीर ही मान रखा था, शरीर के जाने का डर, शरीर के साथ ये ना हो जाए, बॉडी के साथ ऐसा है, बॉडी को नर्चर प्रोटेक्ट भी नहीं करना सही तरीके से, ये भाव सबसे ज्यादा बेकार था मेरे, तो जब मैं अपने शरीर से भी अपने आप को देख पाई कि नहीं ये तो थोड़े दिन के लिए है, तो वहां पर तो ये सब यूएचवी के कोई क्रेडिट जाता है सर, ये क्रेडिट जो मेरा पिछले 1.5 साल से पहले, ये हो सकता है कि ये पहले ही हो, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ये डर वो डर, तो इस डर से जो मैं बाहर निकल पाई ना अपने आप को देख पाई बहुत सही था, पहले तो मैं यही समझ पाई ना जब जिस दिन एक्सरसाइज करी हम लोगों ने, शरीर और मैं दोनों अलग अलग, और ये समझने पर भी बहुत अच्छा लगा, फीलिंग्स ऐसे नहीं आए कि हाँ अरे शरीर चला जाएगा, उस दिन भी बहुत एक हार्मनी रहा, मतलब कि एक हफ्ते तक ये रहा कि हाँ शरीर और मैं तो अलग ही हूँ, तो जब ये आगे बढ़ा सिचुएशंस आगे गति मिली तो शरीर को जो छूटने का डर था वो सताने लगा, और ये डर भी काफी देर चला, 1.5 साल चला, यानी जिस दिन से यूएचपी सेशन स्टार्ट करा ना उसी दिन से ये डर, और फिर जब पता चला कि हाँ शरीर ही तो जाएगा, स्पेस में तो हम तो रहेंगे ही रहेंगे, ये नहीं तो कहीं और जो काम अधूरे रह गए शायद वो भी हम कर पाएंगे, और जो नहीं कर पाए मानव का मानव के साथ सही तरीके से संबंध संबंधित होना और हार्मनी में रहना, यही एक मेन हम लोग, मेरे को ऐसा लगता है यही सबसे बड़ा टारगेट है हम लोगों का लाइफ में, कि मैं और पहले अपने शरीर के बारे में समझ लूं और फिर मैं दूसरे के शरीर से जो व्यवहार करने जाता हूँ
और उसकी सेल्फ के साथ उसको उसको भी उसकी भी सही समझ को मैं बढ़ाना नहीं चाहता। यहाँ पर भी एक बहुत सारी बातें थी, क्योंकि मेरे में पोटेंशियल अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है क्या? तो फिर यहाँ पर जो कंट्राडिक्शन आई ना, उसको भी मैंने रिजॉल्व करने का बहुत कोशिश करा। कम से कम 6 महीने लगे मेरे को अपने ही फैमिली में अपने हस्बैंड के साथ। इतनी सारी बुरी कंडीशंस नजर आई कि इतने साल हम लोग अपोजिशन में जी रहे, वो मेरे को कुछ बोल रहे हैं, मैं उनको कुछ बोल रही हूँ, बस ये बोलते हैं। वो फैलाव जो रायता फैलता है वो पूरे परिवार में हर सदस्य के साथ। और जब मैं अपने आप को रिजॉल्व करती हूँ, वो रिजॉल्व मेरे हस्बैंड के साथ भी आता है, बल्कि वो गलत चीज भी फैल रही है, अच्छी चीज भी फैल रही है। तो हम क्यों ना एक हारमोनी को ही हम स्प्रेड करने की कोशिश करें। उसमें भी मेरे को लगा कि वही चीज अच्छी है, तो हम उसी को क्यों ना स्प्रेड करें, कि मेरी समझ बड़ी है तो मैं अगले की भी समझ बढ़ाने में हेल्प करूं। तो कई बार ऐसे लगा मेरे को, ऐसे एक सिचुएशन ऐसी आई कि मैं तो अपने आप को बहुत ही समझदार समझ लेना, फिर मैंने कहा नहीं, ये चीज भी गलत है कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझदार समझना तो दूसरे को क्या बेवकूफ समझना, तो ये भी गलत था। फिर मैंने कहा नहीं, उनकी भी समझ बढ़ानी पड़ेगी। पहले अपने बिहेव को एज अ एग्जाम्पल रोल मॉडल के लिए फैमिली में डालना पड़ेगा, तभी वो रोल मॉडल आगे हमारे दूसरे के बारे में बिहेवियर में भी वो चेंज आएगा। और ये एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था सर। और जो मेरे साथ जो FTP रही और जो वर्कशॉप रहे, बहुत ही कारगर, कि वर्कशॉप से बिल्कुल इतना, मतलब कि जो हम कहते हैं ना, हम टेक्निकल वर्कशॉप, ये अपनी अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अपनी टेक्नोलॉजी को समझना, ये सबसे बड़ी बात है। इस ऑर्गेनाइजेशंस में अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पूरी यूनिवर्स के, ये सबसे बड़ी बात है। और मेरे को लगता है कि इसके ऊपर ये काम करना बहुत जरूरी, तभी हम सब एक जी दूसरे के जी साथ जी रिजॉल्व हो पाएंगे और हारमोनी में हो पाए। तो जी बहुत ही बच्चा बढ़िया। अगर बच्चे कहें कि मेरा, हाँ बस ठीक है, ओके, धन्यवाद सर। और आपका भी बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद, बहुत सारी जी प्रॉब्लम जी मेरे रिश्तों में यूएचबिन में रिजॉल्व करें। धन्यवाद, धन्यवाद सर। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? ठीक नहीं, मैं तो अप्रिसिएट ही कर रहा था, बल्कि मैं आपके जो आप कहना चाह रही हैं उसको मैं अपने शब्दों में रख देता हूँ, हाँ जी जी है ना, जी सर, ब्रीफली। धन्यवाद सर। जी, तो देखिए दीदी जो कह रही है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इतना दीदी देख पा रही हैं और फिर उसको देखने से जो रिजॉल्व हो रहा है, फिर उसका रिजॉल्व होने से जो उसका प्रभाव पड़ेगा वो तो सब तरफ जाता ही है, खैर। लेकिन उसमें मैं दीदी जो कहना चाह रही हूँ उसको अब शब्दों में बोल देता हूँ। जितना जितना हम जी सर, वास्तविकताओं को समझते जाएंगे उतना उतना अपने में क्लियर होते जाते हैं। क्लियर का मतलब है कि जो अन्यथा चीजें हमने बना रखी थी, मान रखी थी, वास्तविकताओं उससे की जान तरफ छुटा। ध्यान जाने से, हाँ, हाँ वो मानने में चीजें लूज होती है और धीरे धीरे विदा हो जाती हैं। हाँ वो चीजें धीरे धीरे विदा होती है तो हम अपने में लाइट फील करते ही हैं। अभी तो देखिए बहुत सारा बोझ हमारे बिल्कुल, बहुत कॉन्शियसनेस में लाइट। हमारे अन्यथा मानने का ही है, कुछ मान के फिर उसको फैलाना, अन्यथा तो यही चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे वास्तविकता क्लियर होती है, वास्तविकताओं पर ध्यान जाता है, वैसे वैसे हम अपने में रिलैक्स फील करते ही हैं। तो जो अननेसेसरी की भगदड़ हमने अपनी कॉन्शियसनेस में बना रखी थी, उन सब भगदड़ से हम लोग धीरे धीरे कम हो जाती हैं। और जैसे जैसे हमारी समझने में डेप्थ बढ़ेगी, वैसे वैसे वो भगदड़ से हम मुक्त होंगे। वो संस्कारों का ही भगदड़ है, अन्यथा हमने जो अपने बना रखा है ना। तो उसमें वास्तविकताओं पर जितना ध्यान देंगे उतना हमारे में एक परिमार्जन होगा, संस्कार का एवोल्यूशन होगा। उसमें UHV एक मीडियम है ना। तो UHV की वजह से होता है ऐसा नहीं है, वास्तविकताओं पर ध्यान देंगे तो होगा। तो UHV भी एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग वास्तविकताओं का प्रस्ताव सब तक पहुंचा रहे हैं, है ना, वास्तविकताओं का प्रस्ताव सब तक रख रहे हैं। उसमें वास्तविकताओं पर जिसका ध्यान जाएगा वो अपने में अन्यथा जो भगदड़ मच रखी है कॉन्शियसनेस में संस्कारों का, उससे धीरे धीरे मुक्त होगा, उससे लूज होगी इसकी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये जो दीदी कहना चाह रही थी कि
कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको भी बहुत ज्ञान हो गया है ना, अहंकार आ जाता है उसको भी। हम लोग को मुझे लगता है अपने लिए भी मैं देखता हूँ बहुत संभल के देखने की आवश्यकता है कि बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास आ गई हैं और उन सूचनाओं के चलते ऐसा ना हो जाए कि हम देखने की प्रक्रिया को बंद कर दें ना, स्वयं में देखने की प्रक्रिया को बंद करके दूसरों को दिखाने में लग जाएं तो ये एक समस्या हो सकती है। तो हमारे पास सूचनाएं हैं, सूचनाएं हमको देखने में हेल्प करें इस अर्थ में उनको हम यूज करेंगे तो अच्छा है। तो बहुत सारी सूचनाएं इस प्रपोजल्स से हमको मिलती रहती हैं, उन सूचनाओं से हमारा अपने ऊपर ध्यान चला जाए, उसी के लिए हम लोग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये सब कर रहे हैं। जितना उन सूचनाओं को अपना ध्यान देने के लिए यूज करेंगे उतना ही हमारे में परिमार्जन होने की संभावना है। अदरवाइज ये एक स्लिप हो ही सकता है जैसा दीदी कह रही हैं कि सूचनाएं हमको मिल गई हैं और उस सूचनाओं के आधार पर हमको ये देखने लगा है कि ये व्यक्ति भी गलत जी रहा है, इसकी भी योग्यता कम है, वो लोग भी गलत जीते हैं, उनकी भी योग्यता कम है, हमारे जो आसपास हैं वो भी लोग गलत जी रहे हैं क्योंकि उनका ध्यान नहीं जाता है वास्तविकता पर। इस काम पे अगर लग गए तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो वो सूचनाएं हमारा ध्यान अपनी कॉन्शियसनेस पर जाए इस अर्थ में अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा कुछ परिमार्जन होगा, अन्यथा ये स्लिप हो जाता है जैसा दीदी कह रही थी और बहुत सारा अपने में अहंकार भी आ जाता है। तो वही दीदी बताना चाह रही थी कि जब ये हो जाता है तो उससे भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ये तो ठीक ही बात है, इसलिए हम लोग बार बार प्रक्रिया को ध्यान दिलाने की बात कर रहे हैं है ना, बहुत सारे शब्दों को नहीं फैला रहे हैं। प्रक्रिया पे हमारा ज़्यादा ध्यान जाए, प्रोसेस पे हमारा ज़्यादा ध्यान जाए, ये करेंगे तो हमारे लिए उपकारी होगा। तो इतनी बात दीदी कहना चाह रही थी जिसको मैंने अपने शब्दों में रख दिया। जी दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया, बस ये है कि अब अगला जो स्टेप है वो मेरा भागीदारी को निभाना, ये मैं वो सोच रही हूँ कि ये मतलब कि ये विचारों में ही है वाकई में, फिर बोलने में मेरे को ऐसे हो, अब उसमें एक बारी मेरा एक बारी गति बन जाए ना भागीदारी में, वो सही रहेगा कि मैं हर जी समय अगर अवेयर रहती हूँ तो मेरी दूसरों के साथ भागीदारी निभानी, रिश्तों में संबंधों में और सही तरीके से संबंधों को निभा पाना, ये बहुत इसमें गति हो जाए ना तो शायद और आगे सक्सेस मिल जाए। हाँ ये भी जी दीदी समय आशा ही हो गया है है। ना सर। हाँ फिर हाँ वही समय हो बात आ गया, जाती बस है कि मैं हम उस आशाओं पर जीने लगते हैं। जी, तो समय हो गया, बस मैं 2 लाइन बोल देता हूँ इस बात पे कि एक तो जी अपनी जी तरफ धन्यवाद ध्यान सर, देना कभी एक महत्वपूर्ण बात है, जरूरत। एक अपनी तरफ ध्यान देना एक महत्वपूर्ण बात है, और दूसरा बाहर भागीदारी पर अपने को देना। जितना हम बाहर भागीदारी करेंगे उतना हमारा ध्यान और अपने पर जाएगा। तो एक तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, रिजॉल्व हो रहे हैं, दूसरी तरफ भागीदारी में भी अपने को लगा रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन में चलेंगे तो हमारा ध्यान देने की प्रक्रिया भी तेज होगी और भागीदारी तो हम कर ही रहे होंगे। तो अभी हम लोग इसको यहीं रोक लेते हैं क्योंकि समय हो गया है। जी दीदी।